शहनाज और सिद्धार्थ का बाउंड बहुत अच्छा है, लेकिन शहनाज का बार बार पारस के पास जाना, उससे कहना कि पारस मैं तुझसे प्यार करती हूँ, ये सिद्धार्थ को हर्ट होता है, जिस वजह से सिद्धार्थ ने शहनाज को इग्नोर करना, शहनाज से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है। बता दें, शहनाज घर में अब अकेली पड़ गई है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला पारस और माहिरा के साथ नजर आते हैं और शहनाज अकेले। शहनाज का मानना है कि पारस को माहिरा रोकती है शहनाज से बात करने के लिए, इसी वजह से माहिरा ने सबके आगे ये बात कही कि पारस देख, अब मैं तुझे प्यार करती हूँ और मैं तुझसे मना कर रही हूँ कि तू शहनाज के पास नहीं जाएगा। इतना बोलकर माहिरा पारस को किस भी कर लेती है। इस सीन को देखकर शहनाज के फेस पर तो स्माइल देखने को मिलती है, लेकिन शहनाज अंदर ही अंदर टूट जाती है, जिसके बाद से शहनाज को पारस और माहिरा ने जेलस का टैग दे दिया है और अब घर में सिद्धार्थ भी पारस और माहिरा के साथ नजर आते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि पारस और माहिरा सिद्धार्थ के रियल फ्रेंड हैं या फिर शहनाज कौरगिल। आपको याद होगा कि बीते एपिसोड में जब सिद्धार्थ और अरहान की लड़ाई हो जाती है और इन दोनों की बहस फिजिकल लड़ाई में बदल जाती है, तब शहनाज बिना डरे अरहान और सिद्धार्थ के बीच में कूद जाती है और सिद्धार्थ को रोकती हुई, सिद्धार्थ के हाथ पकड़ती हुई, सिद्धार्थ को चुप करवाती हुई नजर आती है। लेकिन पारस और माहिरा अलग खड़े होकर बस इस सीन को देख रहे होते हैं कि ये हुआ क्या है। शहनाज सब इग्नोर करती है कि सिद्धार्थ और उसकी लड़ाई हो रखी है, शहनाज के साथ सिद्धार्थ ने कैसा बिहेव किया, सिद्धार्थ का इतने दिन से इग्नोर करना, शहनाज सब कुछ साइड रख कर सिद्धार्थ की लड़ाई के बीच में आ जाती है। तो इससे ये साफ जाहिर है कि पारस और माहिरा अपना गेम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिद्धार्थ का यूज कर रहे हैं, लेकिन शहनाज ही सिद्धार्थ की असली दोस्त है, ये शहनाज ने इस सीन से क्लियर कर दिया है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह की बिग बॉस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब, और यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।